क्या नाम है भाई? मेरा नाम कृष्णा है। कहाँ रहते हो? मैं मालीवाला चौक पे रहता हूँ। अच्छा, बताओ कैसे मिलना आना हुआ? मेरे को आपसे मिलना था, मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई मैं आ गया, फिर मुझसे मिला। मैं मेरे से मिलते, पता बंदा क्या कहता है? भैया एक ऑटोग्राफ दे दो। मैं भाई अपनी यूट्यूब जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ ना भाई, उसका मुझे फल मिल गया भाई। इतना कोई मेरे घर पर आकर मेरा वेट करे 2-2.5 घंटे और फिर मुझसे कहे कि भाई मैं आपका फैन हूँ और मुझे ऑटोग्राफ दे दो, तो भाई बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, अभी आया था एडी। ओ मर गया। क्या हो गया? मर गया भाई, देख सकते हैं इसको किस तरह चोट लगी है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज मेरे पास आया एक छोटा सा सब्सक्राइबर। तो भाई मैं अभी आया था बाहर काम से। क्या नाम है भाई? मेरा नाम कृष्णा है। कहाँ रहते हो? मैं मालीवाला चौक पे रहता हूँ। अच्छा, बताओ कैसे मिलना आना हुआ? मेरे को आपसे मिलना था, मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ। जी, चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और बताओ सब बढ़िया? हाँ। भाई बंदा वहाँ से आया है बालक मिलने, अच्छा लगता है। इन्हें गाड़ी देखे यहाँ पे खड़ी थी इसलिए आया है, अरे मिल रहा है। तो कोई नहीं, और बताओ कुछ पानी वानी ठंडा? चलो कोई नहीं, आ भाई, भाई से मिलो जरा। भाई से मिलो। बढ़िया, भाई रखना हमारे ऊपर। भाई बंदा मेरे से आके अभी कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। मैं क्या दूँ? ब्लॉग में आओगे ठीक है? चलो चॉकलेट वगैरह खाओगे? अभी बैठे हम गाड़ी में, जरा तुषार चला गया, उसका मुंह बन गया, उसे वेट करवा दिया ना थोड़ा हमने। तो भाई अब जा रहे हैं उसके घर, बोल रहा है वो घर आ जाना। अमन का भी नहीं पता अभी तो अमन कहाँ है, उसको भी देखना, अमन भी आएगा। तो 9 बज रहे हैं भाई, 9 से ऊपर ही टाइम हो गया। अब पहले चलते हैं तुषार के घर, तुषार को लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो बनानी है अपने को। और भाई ये भी है कि आजकल यार रात में निकलना हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है ना, कॉलेज है ना कुछ है, ऊपर से पेपर और आ रहे हैं अपने, तो भाई देख। सो गाइस अभी अमन भाई का भी फ़ोन आ चुका है, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने बोला मुझे मिल जाइए बसंत पर। अरे भाई अब तुषार भी आ रहा है भाई, वो रोटी खा रहा, कह रहा है अभी आ रहा हूँ, जरा गाड़ी थोड़ी सीधी करके लगा लो। क्यों? नहीं कोई दिक्कत ना। दिक्कत कुछ ना, मगर पीछे से कोई आवे यार अच्छा नहीं लगता। सही है यार, निकल जाएगी सब चीज़, निकल जाएगी। तो भाई अभी कर रहे हैं, देखिए वेट, ये खड़े हम तुषार के घर के बाहर, ये वाला तुषार का घर है। तो भाई कर रहे हैं वेट, देखते हैं कितनी देर लगाता है, कितनी है। अभी टाइम भाई 9:01 हो रही है, मतलब 9 ये पीछे, मतलब ये मान लो 9:05-9:07 हो रही होगी। तो भाई करते हैं वेट, देखते हैं कितनी देर लगे, कितनी राइट। अरे भाई आज यार बड़ी खुशी से हुई यार, यार सब्सक्राइबर भाई कितनी देर से खड़ा था वो, बहुत देर से खड़ा था, बहुत देर से खड़ा। गाइस पता है मैं बाहर था, मैं सामान वामान लेने गया था, तो ये बता रहे हैं। मैं बताता हूँ कब आया था। मैं 7 बजे से पहले तेरे घर के बाहर आ गया था, जसवंत को फोन करा था, जब से फोन करा था तेरे को, देखो दिखाता हूँ तेरे को, 7:19 पे फोन करा था सबसे पहले तेरे को मैंने, और बंदा जब से खड़ा हो बताओ। अरे मैं कितने बजे मिला था उससे? 9:30 करीब, 8:30 के करीब भाई। बहुत देर भाई, यही तो होता है प्यार जो देती है पब्लिक हमें भाई। बहुत मैंने बोला बाबू हम सारे ऑलराउंडर है, ये तुषार ऑलराउंडर है, ये सब ऑलराउंडर है, मेहमान छोड़ मैं तो मजाक कर रहा है वो। फिर तू आ गया इतने में, फिर खुद आया भैया, फिर तेरे पास आया भैया, ऑटोग्राफ मिल जाएगा आपका। वैसे कह रहा था खुश हो गया, मगर मुझे मुझे देखते ही वो पहचान गया था कि हाँ मैं ही हूँ मेन, मगर खुश हो गया। मैं देख के बस पूछ रहा था इनसे कौन है, कहाँ हूँ मैं, ये पूछ रहा था कौन नहीं कहाँ हूँ मैं। तो भाई मैं आ गया, फिर मुझसे मिला। मैं मेरे से मिलते, पता बंदा क्या कहता है? भैया एक ऑटोग्राफ दे दो। मैं भाई तूने क्या कह दिया भाई, अपनी यूट्यूब जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ ना भाई, उसका मुझे फल मिल गया भाई। इतना कोई मेरे घर पर आकर मेरा वेट करे 2-2.5 घंटे और फिर मुझसे कहे कि भाई मैं आपका फैन हूँ और मुझे ऑटोग्राफ दे दो, तो भाई बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने फिर वहीं से व्लॉग स्टार्ट करो और आपको दिखाया। फिर मैंने उसे चॉकलेट भी दी, उसे अच्छे से भेजा। मैंने कहा उससे भाई की ऑटोग्राफ तो छोड़ो, अगली बार मिलकर फोटो लेते, वो पास में रहता ज्यादा दूर नहीं है, बाकी उसे मैंने खुशी करके भेजा। तो भाई देख लो हम कब से बात कर रहे हैं, अभी तक बंदा आया नहीं है। रोटी खा के मन भाई भी पहुंचने वाले होंगे बस इन पर। आजा भाई आजा, देख ले भाई यही हमारा तो क्या लैस गया है भाई, हम भी पागल है जो हमें तेल लिया खड़े हो जाओ किसी घर के बाहर। चलो करते भाई अपनी थोड़ी देर वेट, देखते कितनी देर में आता, कितने नहीं, फिर चलते अपना सीधा पार्क अमन को लेके।
गाइस देख सकते हैं भाई, इतनी देर वेट करवाने के बाद आ चुका है महाशय। देख देख अभी भी इधर भी नहीं आया था ये, देख लो इतना बड़ा आदमी है ये, ज्यादा तराने लग गया भाई आज कल ये। वो नहीं आया, आईडी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मना कर रहा है। खाली रोटी? भाई रोटी खा रहा था, मम्मी पापा भी आए ना गाँव गए थे आज। क्या बना था घर पे? कड़ी भाई यार लाया नहीं तो गलत बात है। माय फेवरेट भाई। माचिस तो तू अपने जिम में रखता है? हां भाई देखो क्योंकि हम वो ओरल वीडियो बना रहे हैं ना, थोड़ा भाई अच्छा रहता है यार। मम्मी की सोचनी पड़ती है भाई, ज्यादा नहीं बोलने लग गए यार आज। भाई बातें होती हैं, सारी चीजें फर्क है जी जी भाई। तो भाई दो हो चाहे चार हो भाई, एक भी जाए गम तो गम होता ही है यार। कम होता लेकिन कम होता। चलो भाई अब अपना चलते हैं बसंत की तरफ। अमन भाई वहीं खड़े हैं तो भाई उन्हें ठाते ठीक है तुषार, चलते हैं। सो गाइस अमन भाई आ चुके हैं अपने, और अमन भाई आज तो जल्दी मिलने प्लान था, कैसे लेट हो गए तुम बताना यार। चलो कोई नहीं, तो अब सीधा चलते हैं। अभी आया था एडी, क्या हो गया भाई देख सकते हैं इसको किस तरह चोट लगी है। पागल चौदह मर गया। मैं तो आराम से ना चलाई जाती है, तेर पे भी है क्या? कहाँ मार का आये हो? बदमाश है, देख सकते हो भाई कितना दर्द हो रहा है इस टाइम एडी को। देखिए भाई पूरी खाल लट चुकी, इतनी गहरी चोट लगी पूरा पैर मुड़ गया। गाइस यहाँ पर अभी कर रहे थे वीडियो शूट तो अमन भाई कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अमन भाई? भाई देखो लुक कैसा आ रहा है, देसी आ रहा है एकदम, बताओ कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा भाई, बढ़िया आ रहा। तेरा तो पेट निकल गया दिख रहा है। अरे कहाँ निकल, इसमें दिखता है ज्यादा चुपकी हुई है ना। देख ना ये नहीं रहा, ये कहाँ बताओ? अब अंदर कर लिया। देखो भाई अमन अमन भाई का देख, ये देख ये होता है। अभी कम होगा धीरे धीरे, बहुत कम हो गया पहले से तो। दो किलो वजन कम कर। अब गोरे कितने हो रहे हैं? ऑफिस में एसी है, ऑफिस में एसी है तो भाई गोरे कितने हो रहे भाई? तुम मेरा हाथ देखो, अरे अमन भाई को देखो, फेस से भी लगा लो, मेरे साथ सेम थे कलर में, मैं धूप में घूमने लग गया हूँ तो भाई देखो मैं कितना काला हो गया। अरे इन्हें देखो भाई, वरने एक टाइम पे इन पे भी काली वाली वीडियो बनी थी है ना। अरे अब देख लो एसी में रह रहे थे ना एसी में, ये इसीलिए यही बात है या नहीं? बंसी वाले की कृपा है, रही तो और गोरा हो जाऊंगा। देखे देखे एसी में, जब तुम ऑफिस में पूरे दिन ऑफिस में रह रहे हो, रात में आके सोती तो खुद गाली दे लेकिन जय राधा रानी की जय, बोल शंकर भगवान की जय। मगर जितने भी उसमें एपिसोड वगैरह उनकी कहानी बनी, उनमें ब्लू दिखाया, काले नहीं दिखाया उन्हें ना, ब्लू कलर का दिखाया। भाई मगर सोच, मगर खुद सोच ना, हम ऐसे हो कम पे कुछ नहीं, उनपे कितनी भाई कितनी लड़कियां मरती थी भाई। 16 कलाओं का ज्ञान था उन्हें, सब भगवानों में सबसे ज्यादा ज्ञान उन्हीं को था। बताओ, ना कि वो विष्णु भगवान के अवतार थे, पर विष्णु भगवान को भी 16 कलाओं का ज्ञान नहीं था। बताओ, बस भाई एक अवतार थे विष्णु भगवान के जिन्हें 16 कलाओं का भी ज्ञान। देख रहा है इन भाई को भी कितना ज्ञान है, मैं पता भी नहीं। बचपन में देखा भाई, मैंने तो भाई बहुत देखा कार्टून हो गए, जैसे कि मामा भेजते थे मारने के लिए कृष्ण भगवान को, और भाई कैसे हराते थे। हमें तो पता, हमने देख रखी है रामायण भी देख रखी है मैंने, बहुत सारी चीजें महाभारत भी देख रखी है, बहुत सारी ऐसी किताबें हमारे उसकी हमें जो पढ़नी चाहिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है ना आज के टाइम में। वो किताबें पढ़े, भागवत गीता है पढ़ो, समझोगे ना तो मजा आ जाएगा बहुत। भाई ऐसे ऐसे श्लोक से, श्लोक ही कहते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे भाई बहुत ज्ञान देती है भाई, बहुत मजा। कुछ पढ़ी थी कुछ टाइम, 10वीं क्लास में भाई बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं उसमें। नर्क स्वर्ग के बारे में बताया गया है कि नर्क में जाकर कैसा होता है, स्वर्ग में क्या है क्या नहीं, मतलब इस प्रकार से। उसके लिए कम से कम पढ़े 2 घंटे तुम्हें चाहिए चाहिए, सुबह को उठो नहा धो के वो खोलो भागवत गीता फिर उसे पढ़ो। सही है मन भाई ने सब कर रखा अपनी जिंदगी में, पढ़ रखा है, पढ़ रखी है, पूरी नहीं पढ़ी है पर ये है मैंने कभी पढ़ी थी, थोड़ा बहुत पढ़ा था। चलो भाई अपना ना सारा काम हो चुका है, वीडियो में एडिट कर रहे थे वो भी चल रहा है अपना प्रोसेस, बस अमन भाई के एक दो शॉट बनाते हैं फिर चलते हैं अपना घर। जब बूढ़ी थी तो वो पढ़ते थे यार, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी दादी मतलब जल्दी फोन के साथ बैठ गया, उनसे बातें सुननी भाई, बूढ़े बूढ़े ही बताते हैं भाई। अब क्या है, अब आज के टाइम में ना बच्चों के पास टाइम है, बस ये फोन है, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। दादा बाबा के पास बैठते ही नहीं है कोई, अच्छी अच्छी चीजें सुनाते हैं और क्या, एक से एक कहानी
अपनी, तेरे दादे ने एक बार ऐसा करा, तेरे पापा ने एक बार ऐसा करा, ऐसी ऐसी चीजें नानी सुनावे, तेरी मम्मी ने एक बार ऐसा करा, तेरे मामा ने, कुछ भी नहीं है। आजकल बच्चे बैठना ही नहीं चाहते बड़े बूढ़ों के पास। अब दूसरी चीज, अब बड़े ही बूढ़ों के पास उनके खुद के बेटे नहीं बैठ पाते, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फोन में गुजर जाता है, ऐसी है। चलो भाई अपने करते हैं वीडियो शूट, अमन मतलब शॉर्ट बनाने हमारे पास तो हैं, जो भी था हो गया हमारा भी, मगर अमन भाई के एक दो जो बनाएंगे बना लेंगे, फिर चलते अपना घर। डिलीट करी है मैंने वीडियो, तू करे ना करे, तू ना करी थी डिलीट, अभी भी तू ना, कुछ दिनों पहले की बात है, सुन सुन अमन भाई मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले की बात है, अभी इसने वीडियो डाली थी, व्यू नहीं आया इसने, फिर डिलीट कर दी थी। अबे भाई वो करी थी नहीं करी थी, पिछले हफ्ते की बात है शायद से, वो मेरे पास मतलब वीडियो नहीं थी ना उस दिन, कुछ भी था डिलीट तो करी थी ना। मैं बता क्या होता है, दिन में मैंने दो वीडियो डाली थी सुबह शाम, हमारा स्टार्टअप है तो हमारे फॉलोवर्स वगैरह भी कम है, तो उस वजह से दिक्कत दे रहा है, जो हमारे जो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर, फिर जब नहीं करोगे जब, तो मतलब मान लो 50,000 है हमारे, 50 में 40 तो देखेंगे देखेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं। चलो अब भाई चलते हैं अपना घर, वो वाला गेट तो भाई लग चुका है, देखते हैं ये स्कूटी जा रही है, अगर गेट खुला तो हम भी इसी साइड चले जाएंगे, वरना आगे से घूम कर आना पड़ेगा, पहले गेट देख ले, गेट बंद है, आगे से घूम कर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपना। सुनो बोल बोल, ये बताओ तुम्हारे 3,000 सब्सक्राइबर है, मेरे 500 होने वाले हैं, 500 में से 10 भी मेरे देखते नहीं, तो भाई मेरे कहाँ देखते हैं 3,000 में से, तो भाई क्या कर रहे हैं ये, मुझे क्या पता भाई कर क्या रहे हैं यार, यार वीडियो देखा करो यार, प्यार दो यार थोड़ा बहुत। चलो ये तो समझ आ रही है, 400 में से 80 नहीं देख रहे भाई, शायद से गेट नहीं खोल ले वो, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप गेट किस प्रकार, मतलब इन्होंने बंद कर दिया, अब आगे से जाना पड़ेगा, मैं चलते हैं अपना। चलो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, रोम रोम। आ जाओ भाई, आज तो क्या टाइम पे आ गए, कितने हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं, अब भी लेट हो गए, बाय बाय है, लेट तो हो ही गए, 10:30 हो गए। चलो भाई अपना चलते हैं अपना घर जल्दी जल्दी अब। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना घर, अमन भाई भी जा रहे हैं, तो रखते हैं इस व्लॉग के लिए इतना ही भाई, जैसे कि आपने देखा आज के व्लॉग में हमने वीडियो एडिट भी करी थी, वीडियो बनाई भी थी, और भाई जैसे कि आपने देखा आप सब के प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी सही आ रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा सब्सक्राइबर भी एक मिलने आया था वो छोटा, और ऑटोग्राफी मांग रहा था, तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, तो भाई ऐसी सपोर्ट अपने छोटे भाई को प्यार देते रहें, मैं ऐसे आगे बढ़ता रहूँगा, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो भी लाता रहूँगा, और अपने फ़नी फ़नी शॉर्ट भी लाता रहूँगा। चलिए रखते हैं इस ब्लॉग के लिए इतने ही, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं जल्दी, बाय।